बनाते हैं हेल्दी मसाला ओट्स। ये मैंने केलॉग्स का ओट्स लिया है और ये कुछ सब्जियां हैं टुकड़ों में कटी हुई, ये टमाटर, आलू, गाजर, अदरक ऐसे मैंने घिस लिया है, और ये प्याज, तीन हरी मिर्च, और ये थोड़े से मैंने कॉर्न लिए हैं। और ये हमारे बेसिक मसाले। चलिए शुरू करते हैं, गैस को ऑन करते हैं, एक कुकर रख लेते हैं, और इसमें मैंने 2 बड़े टेबलस्पून घी डाला है। आप ऑयल या घी किसी में भी बना सकते हैं। और ये लौंग, काली मिर्च और एक छोटी इलायची है, इसको इसमें डाल देते हैं। और ये हींग 2 पिंच के करीब। आपको खड़े मसाले डाल पसंद हो तो आप डाल सकते हैं, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। और ये 1 टीस्पून जीरा, फिर सबसे पहले इसमें हम अदरक डाल देते हैं। और ये प्याज, और इसे हम अच्छे से भून लेते हैं। इसमें सब्जियों को हमें पहले से ही नहीं पकाना है, बस हल्का हल्का सब भूनते जाना है और सब डालते जाना है। बस इसे हमें हल्का सा प्याज को ट्रांसपेरेंट होने तक भून लेना है। और ये मैंने 1 बाउल ओट्स लिया, 1 छोटी कटोरी है। और ये हरी मिर्च भी इसमें डाल देते हैं, और मैंने गाजर भी डाल दिया था। और ये अब टमाटर भी डाल देते हैं। अब सारी सब्जियों को बस हल्का हल्का सा भून लेते हैं फटाफट। और अब मैंने इसमें कॉर्न भी डाल दिया है, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लें। और अब ये हमारे मसाले, 1/2 टीस्पून हल्दी जाएगी इसमें। मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, आपको जितना ज़्यादा खाना है जितना कम। और ये थोड़ी सी मैंने लाल मिर्च डाली है, ये धनिया पाउडर, और थोड़ा सा मैंने बस गरम मसाला डाला था। बहुत हल्के हल्के मसाले इसमें जाते हैं, इसमें ज़्यादा मसाले अच्छे भी नहीं लगते, क्योंकि हम ये एक हेल्दी वे में बना रहे हैं तो बहुत सिंपल मसाले इसमें यूज़ कर रहे हैं। और अब हम ये अपने ओट्स भी इसमें मिला देते हैं। ओट्स में फाइबर बहुत होता है और ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, तो आपको कभी भी लाइट खाने का मन करे तो आप ये फटाफट बना सकते हैं। आप इसे ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं, डिनर में भी बना सकते हैं, लंच में भी बना सकते हैं, कभी भी खा सकते हैं। और ये मैंने 1 टीस्पून के करीब नमक डाला है। और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब हम इसमें गरम पानी डाल देते हैं। पानी का लेवल हमें खिचड़ी से थोड़ा सा ऊपर रखना है, 1 कटोरी ओट्स पे 3 कटोरी पानी इनफ होगा। और हमें ये कुकर का लिड लगा देते हैं, इसे हमें 1 सीटी आने तक पकाना है। और ये भी 1 सीटी आ गई है, और कुकर हमारा ठंडा हो गया। अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लें पहले,
और आप नमक भी यहीं चेक कर लें, कम हो तो आप यहीं पे डाल सकते हैं। और ये हमारा मसाला खिचड़ी तैयार है।